सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले ही वीवो के Y18A डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर आस्क फोन कॉल सेटिंग का एक्सेस कैसे करेंगे। गाइस ये जो सेटिंग्स हम बताने वाले हैं ये सिम कार्ड्स को डिसेबल करने का काम करता है। दैट मींस जब भी आप अपने डायलर में किसी को भी कॉल करते हो तो एक रिमाइंडर बॉक्स आता है सिम 1 से कॉल करनी है सिम 2 से। बहुत लोगों को इरिटेटेबल लगता है एंड बहुत लोगों को लाइक कह सकते हो बंद कर दिया, बहुत लोगों ने उसको इनेबल नहीं कर पाते। तो ये डीएक्टिवेशन का भी मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कि अगर आपका एक ही सिम कार्ड शो करता है ऑन कॉल के लिए तो आप दोनों को भी इनेबल कर सकते हैं। वेल, इसके लिए फॉलो करना है अपने फोन सेटिंग को। सेटिंग हमने ऑलरेडी ओपन करी है, इसमें एक सेटिंग्स होगा नेटवर्क एंड इंटरनेट, एक बार आप इसको प्रेस करेंगे। देन सेकंड वाले ऑप्शन को फॉलो करना है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है। इसमें एक सेटिंग्स होगा कॉल वाला, एक बार आप इसको प्रेस करना। अब इसमें 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ऊपर भी एक ऑप्शन है आस्क एवरी टाइम। अगर आपने किसी पर्टिकुलर सिम कार्ड को सेट कर दिया लाइक दैट, सिम 1 को मैंने चूज कर दिया, अपने डायलर को हम ओपन करेंगे किसी को कॉल भी करेंगे तो सिम 1 से ही कॉल होगा ना कि सिम 2 से होगा, सिम 2 का ऑप्शन ही वहां से गायब हो जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम्स भी आप फेस कर रहे हो तो आपने इसको प्रेस करके आस्क एवरी टाइम को सेट कर देना है। इसके बाद कोई सा भी डायलर यूज कर रहे हो तो आपको दोनों सिम कार्ड्स वहां पर शो होंगे। तो सिम कार्ड्स को एक तरीके से इनेबल एंड डिसेबल का भी ये काम करता है ऑप्शंस। एक बार ट्राई करना तो चाहे करना चाहे तो कर सकते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे आस्क फोन कॉल सेटिंग को एक्सेस कैसे करना था वीवो के Y18A डिवाइस के अंदर।